अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीसीटीवी व्यूज और इस फुटेज में आप इस शख्स को देखें और इस शख्स को पहचानें। ये शख्स एक धोखेबाज शख्स है, लोगों के एटीएम कार्ड को तब्दील कर लेता है और उनके पैसे मिनटों में लेकर गायब कर देता है। तो आप लोगों ने इस तरह के किस्से बहुत सुने होंगे कि कार्ड तब्दील हो गया और पैसे गायब होना शुरू हो गए। एटीएम कार्ड किस तरह तब्दील होता है, आज इस पूरी वीडियो में देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग मोहतात हो सकें इस धोखेबाज शख्स से। इस शख्स को आप लोग पहचानें। ये देखें, एटीएम रूम में आता है और अपना कार्ड लगाकर ये ट्राई कर रहा होता है। इसके वॉलेट के अंदर बहुत सारे कार्ड होते हैं। अभी देखें, ये बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलेगा और जो दूसरे बंदे को बताएगा कि भाई इसकी वालदा बीमार है और ये अंदर मशीन काम नहीं कर रहा है या पैसे मेरा कार्ड ख़राब है, आप आके देख लें, और वो उस बंदे को अंदर बुला लेगा। अभी देखें, ये बाहर निकला है और बंदे को इस तरह से बीमारी जाहिर करता है कि उसकी वालदा बीमार है और कोई पैसा इस यहाँ से निकलना नहीं। वो बंदा परेशान होकर बेचारा अंदर आता है देखने के लिए। और ये देखें, ये अपना कार्ड दिखाता है कि और पैसे हैं, बहुत सारे पैसे लेके आए वालदे के लिए, इलाज के लिए और पैसे चाहिए। इस बंदे को ये एक तरह से धोखा दे रहा होता है, इसको बेवकूफ़ बना रहा होता है इस बंदे को। ये आदमी है, इस आदमी को आप चेक कर सकते हैं। उन्हें कार्ड लगा कर दिखाता है, कार्ड वापसी आ गया लेकिन पैसा नहीं निकल रहा है। उन्हें कहता है कि भाई आप अपना कार्ड लगा के चेक करें। अभी आप देखेंगे इसके हाथ में पैसे भी बहुत सारे हैं और इसके वॉलेट के अंदर बहुत सारा कार्ड है। ये बंदा जैसे ही अपना कार्ड निकालता है तो ये अपने वॉलेट के अंदर से वही कार्ड निकालेगा जो वो बंदे के पास कार्ड था, और वो कार्ड अपने वॉलेट के साइड में रख लेगा। और देखेंगे अभी आप किस तरह से ये कार्ड तब्दील करेगा। इस बंदे का कार्ड आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये तब्दील करेगा। वो बंदा पैसे निकाल रहा है और वो बंदे होशियारी करता है, थोड़े से कम पैसे निकालते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ये कार्ड तब्दील हो जाएगा और उसके बाद ये सारे पैसे दूसरे एटीएम से ले उड़ेगा। और आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि ये कार्ड उस बंदे का बाहर आ गया और ये पैसे भी निकल गए और ये अपना कार्ड अब थमा रहा है उनको कि भाई आप मेरा कार्ड लगा के देखें। ये देखिए, पैसे वो बंदा निकाल के रखेगा। वो अपना कार्ड लगाने उनको कह रहा है कि आप मेरा कार्ड लगाएं, और अभी उनसे उनका कार्ड मांगेगा जो हाथ में, ये देखिए, देखने के लिए कार्ड मांगेगा और वॉलेट के ऊपर इनका कार्ड रखेगा। और वो बंदा कार्ड मांगते रहेगा, इधर उधर करेगा देखने के लिए, और वॉलेट के नीचे एक और कार्ड होता है और ये मिनटों में सामने रख के तब्दील कर देगा। देखिए, अभी नीचे वाला कार्ड दे देगा इनको और ऊपर वाला कार्ड रहने देगा। देखिए, नीचे से कार्ड इनका निकाल लिया और ये कार्ड पकड़ा दिया। ये बंदे अपना कार्ड वही इसी कंपनी का कार्ड था, उसी बैंक का कार्ड था इसके पास, तो वो सब बगैर सोचे समझे उसने अपने कवर में डाला और ये वॉलेट के अंदर रख लिया। और ये देखें, दोनों चले जाते हैं और बातें करते हुए। अभी कुछ ही देर बाद आप देख सकेंगे कि दूसरा बंदा आएगा और वो अपने पैसा कितना आसानी से निकालेगा और लेकर चले जाएगा। ये दूसरा बंदा आता है रेड टी शर्ट पर, ये ट्राउज़र पहना हुआ भी। अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को, आप देखें ये बंदे ने अपना कार्ड लगाया और ये लेकर चले जाएगा, अपना पैसा निकालेगा और पैसे निकाल के ले जाएगा। कुछ ही देर में वो बंदे दोबारा आएंगे, उन्हें शक हो जाता है कि कहीं कार्ड और पैसा उनको निकालना हो, या उन्हें शक हो जाता है, मेरे ख्याल से उन्हें और पैसा निकालना था। उसके सामने उसे उन्होंने 2000 तकरीबन निकाला था, उसके बाद और पैसे निकालने के लिए देखें लड़का जाएगा। ये वो बंदे वापसी आएंगे और वो बंदे वापसी आने के बाद ये देखें बाकी पैसे निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन इनका कार्ड अभी काम नहीं करेगा। ये कार्ड निकालते हैं और कार्ड निकालने के बाद पहले तो ये कार्ड चेक करते हैं, इन्हें शक होता है कि कार्ड इनका नहीं, इधर उधर करके चार कार्ड चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखें, ये कार्ड दोबारा लगाया है इन्होंने लेकिन कार्ड इनका पैसा अब नहीं निकालेगा। बैंक इनका पैसा, एटीएम इनका पैसा नहीं देगा क्योंकि इनका कार्ड तब्दील हो चुका है। ये बेचारे परेशान हैं। मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेचारे वापसी, इनका कार्ड आ गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि जाली कार्ड उन्होंने इसने पकड़ा दिया है इनको। और ये अभी बाहर जाके देखेंगे कि भाई वो बंदा है कि नहीं है, लेकिन वो बंदा जा चुका होगा। और आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको उस बंदे की पूरी डिटेल दिखाऊंगा किस तरह से बंदा आता है, किस तरह से कार में आता है और किस तरह से लोगों को अपना बेवकूफ़ बनाता है कि कहता है कि उसकी वालदा भी अस्पताल में बीमार हैं और उसे रकम निकालना ज़रूरी है और लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं अंदर और आने के बाद उसकी मदद करते हैं, लेकिन
सबके एटीएम कार्ड को ये चेंज कर देता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये एटीएम के बाहर की फुटेज है और वो बंदा अभी कार में आएगा और किस तरह से आएगा और किस तरह आके लोगों को बेवकूफ बनाएगा, इंतजार करेगा लोगों को खड़े होके, और किस तरह से एक से दो, दो से तीन लोगों को एक साथ ये बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के कार्ड तब्दील करते हैं और लेकर चले जाते हैं। ये देखिए कार आके रुकी है, वाइट कलर की कार है और इस कार से ये बंदा उतरा है। ये धोखेबाज शख्स को आप लोग पहचाने और ये उतरने के बाद एटीएम रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। एक बंदा ऑलरेडी एटीएम रूम के अंदर गया हुआ है, उसका एक साथी बाइक पे खड़ा हुआ है और ये जो बंदा होता है बाइक पे खड़ा हुआ और जो एक अंदर गया हुआ है, ये इसके धोखे से बच जाते हैं और ये इनकी बातों में नहीं आते हैं और ये फौरन निकल जाते हैं यहाँ से। इसके बाद जो आने वाले बाकी आने वाले लोग हैं वो किस तरह से इनके बातों में आते हैं और किस तरह से इनके बातों में आकर अपने आप को लूट जाते हैं, समझिए कि अपने कार्ड को तब्दील करवाते हैं और किस तरह से इनके बातों में आकर वो लोग अपने बैंक अकाउंट को खाली करवा लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये बंदा अंदर चले गया, उसके बाद आप पूरी फुटेज देखें किस तरह से दूसरे बंदे आएंगे और किस तरह से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाएगा। पूरी फुटेज, अंदर की भी फुटेज अभी आपको दिखाई जाएगी और बाहर की भी। आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने तमाम चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की वारदात से बच सकें। और आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सीसीटीवी व्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली फुटेजेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग होशियार रह सकें।